हम लोगों ने क्या क्या किया है, अर्गला किया, प्राची दृष्टि कर ली, ग्रह दृष्टि हमको पता है, और कुंडलियां कितने प्रकार, और मैंने अरुदा भी बता दिया, अरुदा की हमारी 2 सेशंस हो गई हैं, तो अरुदा बता दी। और अरुदा के बाद, अभी अरुदा के बाद क्या बचा है वो देख लिया। अर्गला भी बता दिया, करेक्ट, राजयोग भी बताया संक्षिप्त में, पूरे नहीं लेकिन बता दिया, चार कार का भी बता दिया, ग्रह दृष्टि, राशि दृष्टि, वस्तु आपको बता है, ओके, चार कारक भी बता दिया। मैरिज वाली भी चीज मैंने आपको बता दी, डी 7 बता दे। हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि तो भाई षोडश वर्ग होते क्या है, करेक्ट, क्या है हमारी जो राशि कुंडली होती है ना, ठीक है, तो जो राशि कुंडली होती है इसमें हर भाव क्या होगा, मैं उसका कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि इतने सारे लोग हैं वो समझने में आपको वो परेशानी आएगी। और षोडश वर्ग की मेरी वीडियो डली हुई है यूट्यूब चैनल पे, अगर चाहिए तो आप देख सकते हैं, आइडियली तो आप लोगों ने सारी वीडियोज देख लेनी चाहिए, तो सब यानी एटलीस्ट ज्योतिष के जो अलग अलग ब्रांचेस है उनकी आइडिया आपको क्लियर हो कि ये ब्रांचेस होती क्या है। जैसे अभी जैमिनी की ब्रांच की आइडिया आपको क्लियर होगी, आपको वैदिक की भी क्लियर होगी कि यार ये वैदिक में क्या क्या चलेगा और जैमिनी में क्या क्या चलेगा और कैसा चलेगा। सो एटलीस्ट यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि ये ब्रांचेस काम कैसे करते, करेक्ट, ये जो ब्रांचेस हैं ये काम कैसे करती ये आपको पता चलेगा, उसके बाद आपने पढ़ना शुरू करना है। जैसा वैदिक कर लिया, फिर वैदिक के बाद केपी किया, केपी के बाद जैमिनी किया, फिर चाहे तो नक्षत्र किया, के बाद वास्तु किया, तो फिर आपको टोटेलिटी में वो पिक्चर मिलेगा। ओके, तो राशि कुंडली होती है जिसको D1 कहते हैं, ये मेन चार्ट है जिससे सब कुछ देखा जा सकता है, लाइफ में होने वाली हर घटना यहाँ से पता चलती है। और उसका एक उदाहरण मैंने आप लोगों को जब हम वैदिक कर रहे थे तब दिया था, वेल देखना है तो कैसा देखना है, के बाद में बच्चा देखना है तो क्या देखना है, फॉरेन सेटलमेंट देखनी है तो क्या देखना है, डिसीज देखना है तो कैसे देखना है, ये मैंने आपको बताया था भाव भावेश कारक के माध्यम से आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी कुंडली होती है होरा, जिसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी वेल्थ। तीसरी होती है दृक्काणा या दृष्काण बोलते हैं, जिससे सिबलिंग आपके छोटे बड़े भाई बहन के बारे में पता चलता है। चतुर्थांशा लक रेसिडेंस इसके बारे में पता चलता है, D4 कहते हैं उसको, चतुर्थांशा, यहाँ पे नंबर मिल जाएगा आपको, 4 का मतलब D4, डिविजनल चार्ट 4, D का मतलब है डिविजनल चार्ट, षोडश वर्ग हिंदी में कहेंगे और डिविजनल चार्ट बोलेंगे इंग्लिश। सात सप्तांशा,
चिल्ड्रन, 11 चिल्ड्रन, 9 नवाब शाह, स्पाउस जनरल ओवरऑल वितराज। स्पाउस का मतलब है पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। 10 दशाम शाह, प्रोफेशन सक्सेस ऑफ ऑल मैटर। 12 द्वादशाम शाह, पेरेंट देयर लाइफ एंड वेलबींग। चौड़ेशाम शाह, वंस रिलेशनशिप टू व्हीकल। व्हीकल का मतलब यहाँ पर यह है कि आपके जीवन में जो भी खुशियां जिन जिन चीजों से उस, क्योंकि लग्जरी चीज गाड़ी को माना जाता है, व्हीकल को माना जाता है। विषम शाह यानी D20, स्पिरिचुअल अंडरटेकिंग। D24 सिद्धाम शाह, एजुकेशन लर्निंग एंड ब्रेन यानी इंटेलेक्चुअल। D27 भाम शाह, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। 30 त्रिमशम शाह, मिजरीज ट्रबल एंड डिजास्टर। 40 D40 का है खावेदाम शाह, ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस इवेंट। 40 D45 अक्षय खावेदाम शाह, ये संस्कृत नाम है। ऑल थिंग्स एवरीथिंग ओवर ऑल। D60 षष्ठ्यांश शाह, ऑल थिंग्स एवरीथिंग। D40 D45 D60 के बारे में बहुत कम लिटरेचर अवेलेबल है, तो बहुत कम जानकारी इसके बारे में होती है, बाकी चीजों के बारे में होती है। तो इस कोर्स में मैंने कहा था कि मैं D9 के बारे में और D7 के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे मैं D7 के बारे में आज आप लोगों को, D7 का मतलब है सप्ताह में, के बारे में बता दूँ। ठीक है, हमारी उदाहरण वाली कुंडली ले लेते हैं। अब यहाँ पर आते हैं D7। यहाँ पे और भी है, D5 है, D6 है, D8 है, उसके बाद में हायर डिविजन्स में आपको D81, D108, ये इन्होंने बना के रखे हुए हैं। कैसे बनाए, क्या बनाए, उसका कैलकुलेशन तो मुझे नहीं पता। अगर आपको कहीं मिल जाए और आपका इंटरेस्ट तो आप पढ़ सकते, मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ। तो आप देखिए, अगर इनके बच्चे के बारे में बात करनी है, ये व्यक्ति अभी हमको पता नहीं है शादीशुदा है नहीं है, ये अगर शादी हो भी गई है तो 2001 का है, तो डेफिनेटली बच्चे तो अभी नहीं होने चाहिए। लड़की भी होगी तो 22 साल की उम्र में बच्चा होना आजकल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लड़कियां भी आजकल करियर ओरिएंटेड होती हैं, वो करियर पे फोकस करती हैं। पर अगर होगा जब फ्यूचर में, तब की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हमको बच्चे के बारे में देखना है लग्न कुंडली में, नताल चार्ट में बच्चे के बारे में देखना, मैं क्या कह रहा हूँ कि हमको पहले तो देखना पड़ेगा ना कि लग्न कुंडली में क्या कह रहा है, लग्न कुंडली बच्चे के बारे में क्या कह रहा है। वहां पे बच्चा निकल के आना चाहिए, वो तो मेजर प्रॉमिस है। सुपरफिशियल लेवल पे वो है और सूक्ष्म लेवल पर D7, ठीक है, जो प्रॉमिस को कंफर्म करे। तो अब बच्चा अगर देखना है तो कैसा देखेंगे, भाव भावेशकारक करे। तो सबसे पहले और A5, ठीक है, फिफ्थ हाउस और A5। फिफ्थ हाउस जो है, मैं ये प्रॉमिस बता रहा हूँ कि फिफ्थ हाउस जो है इसके ऊपर क्या क्या प्रभाव है। ठीक है, इसके ऊपर प्रभाव किसका है, शनि महाराज, जो कि अशुभ ग्रह, उच्च का चंद्रमा, ये अच्छा ग्रह है, और गुरु है जो शत्रु राशि में बैठे। तो देखा जाए तो शनि महाराज और गुरु ये इतने कंफर्टेबल नहीं है इस भाव में, लेकिन चंद्रमा जो है वो अपने आप में उच्च का बैठा हुआ है, तो जिसने कंट्रोल ले लिया उसकी अथॉरिटी यहाँ पर पांचवें भाव पे जाती है। फिफ्थ लॉर्ड देखिए आप, फिफ्थ लॉर्ड कौन, फिफ्थ लॉर्ड है शुक्र। शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, शुक्र जो है ये उच्च का बैठा हुआ है, पर तीसरे भाव में अगर आप देखेंगे तो शुक्र जो है तीसरे भाव में बैठा, सूर्य के साथ बैठा, ये शत्रु है। और वहां पर A7, A7 इज गुड, बच्चे के लिए ऐसा कोई परेशानी की बात होती है। और यहाँ पर A2 बैठा हुआ है, A2 से भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये भी अच्छा है। अब A5 देखते हैं कि A5 क्या क्या A5, एक मिनट होल्ड कीजिएगा सर।
A5, A5 कहाँ पर है? A5 के साथ A11 है, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, अच्छी बात है। और दृष्टियां किसकी किसकी है? तो दृष्टि में राशि दृष्टि और दृष्टि, शनि महाराज की, उच्च चंद्र और गुरु महाराज की, बढ़िया अच्छी बात है, प्यारा नहीं, और बाकी तो कोई प्रॉब्लम ठीक है। तो इन ग्रहों की दृष्टि, तो अगर लगभग देखा जाए तो उच्च चंद्रमा ने A5 को भी इन्फ्लुएंस कर दिया है और फिफ्थ हाउस को, और जो उसका स्वामी है वो खुद उच्च का बैठा हुआ है, सूर्य के साथ है, हो सकता है वो अस्त भी, लेकिन वो बैठा किसके साथ है, यानी वो बैठा है उच्च राशि में, तो उच्च राशि के ग्रह की हमेशा डिग्निटी अच्छी मानी जाती है। तो हम कहेंगे कि यहाँ बच्चे का प्रॉमिस आ रहा है, ये प्रॉमिस हम देख रहे हैं लग्न कुंडली का, ठीक, लग्न कुंडली का प्रॉमिस हो गया, और यहाँ पे पता चल गया कि भाई प्रॉमिस तो है। अब आते हैं और देखते हैं कि D7 सप्ताम शाम, इसमें बच्चों का प्रॉमिस कैसे, ठीक है, इसमें बच्चे का प्रॉमिस देखना है तो क्या है। अब क्या होता है कि हमारे पास राशियां हैं, राइट, हमारे पास राशियां, तो इवन और ऑड नंबर्स होते हैं, आपको पता होंगे, है ना, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, सम नंबर्स, विषम नंबर्स, करेक्ट। तो एक नंबर क्या हुआ, ये सम हो गया यानी ऑड, और दो नंबर क्या हुआ, ओ सॉरी, ये विषम हो गया और ये सम हो गया, इवन नंबर, करेक्ट। वैसे ही तीसरा नंबर जो होता है वो क्या होता है, विषम होता है या ऑड कह सकते। चौथा क्या होता है, चौथा होता है सम यानी इवन, ठीक, इस प्रकार से ये नंबर, तो 12 तक हमको पता है कि 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये हो गए विषम यानी ऑड नंबर, और 2, 4, 6, 8 और 12, ये हो गए सम। तो ज्योतिष क्या कहता है कि सबसे पहले सी विच राशि इज सिटिंग इन D7 लग्न, D7 के लग्न में कौन सी राशि बैठी है, ध्यान से सुनिएगा, बाद में यानी कॉमन सेंस वाला ही प्रश्न पूछेगा मुझसे, यहाँ पे आपको पता चलेगा 8 नंबर की राशि बैठती है, राइट। 8 नंबर क्या है, सम है या विषम है, तो 8 नंबर जो है वो सम है, यानी इन एग्जाम्पल चार्ट 8 नंबर राशि सिटिंग इन D7 लगाना। तो 8 क्या है, इवन नंबर है, सम कहते हैं इसे, तो अगर लग्न में सम नंबर की राशि है तो ज्योतिष में ये माना जाता है कि पहला बच्चा जो देखेंगे हम वो 9वें भाव से देखेंगे, पहला बच्चा जो देखेंगे वो 9वें भाव से देखेंगे, ओके okay? अगर यहां पर विषम राशि हो तो हम 5वें भाव से देखें, फिर से सुनिए, अगर लग्न में विषम राशि मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 इनमें से कोई होती तो पहला बच्चा जो है वो फिफ्थ हाउस से देखते, अगर वहां पर सम राशि है तो उस व्यक्ति के जीवन में पहला बच्चा हम देखेंगे 9वें भाव, दूसरा 7वें भाव से, तीसरा 5वें भाव से, चौथा
तीसरे भाव से, पांचवा लगन से, छठा 11वें भाव से, सातवां फिर से 9वें भाव। ठीक है, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम देखें। ओके, इतना तक तो कोई आजकल जाता नहीं, पहले जाता। तो अब यहां पर ये पता चल गया कि भाई 9वें भाव से पहला बच्चा देखें, क्योंकि यहां पर सम राशि है, सम राशि है, तो ये पहला बच्चा हो गया। अब इस बच्चे का अगर एनालिसिस करना है तो हम इस 9वें भाव लगन बना देंगे, और सॉरी इसका जो स्वामी है चंद्रमा उसको लगन माने। तो यहाँ पे चंद्रमा ऐसे ही बैठा होगा, तो सोम बोले तो सोम, सोम का मतलब है चंद्रमा, हिंदी में सोम कहते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं, सोम। तो पहला बच्चा सोम हो गया। अगर दूसरा बच्चा देखना है तो फिर हम शुक्र को बना देंगे। क्यों? क्योंकि 7वें भाव में वृषभ राशि है तो वो शुक्र की राशि है। तो दूसरे बच्चा को अगर एनालिसिस करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, शो चार्ट फ्रॉम दिस हाउस। जैसा मैं ये कहूंगा, नाइन क्यों आ गया भाई, एक मिनट आना, ओ सॉरी, बराबर शुक्र यहाँ पर। तो अब ये बन गई दूसरे बच्चे की कुंडली। तीसरे के देखना है तो तीसरे का पांचवे भाव से देखते हैं, तो उससे हमको ये पता चल। ठीक है, ओके, इस प्रकार से वो कुंडिया बना के देखते हैं। बाकी एनालिसिस जनरल फिर उनके ऊपर प्रभाव, राशि दृष्टि कैसी है, क्या है, ये देखते हैं। तो अब देखते हैं पहला बच्चा कैसा। ठीक है, पहला बच्चा कैसा है ये देखने के लिए बड़ा आसान है। इसमें पहला बच्चा हमको पता चल गया क्योंकि आठवा, आठवीं नंबर की राशि है, तो नाइन्थ हाउस इज फॉर फर्स्ट बेबी। ओके, रोटेट चार्ट टू नाइन्थ लॉर्ड, 9वें भाव का जो स्वामी है वहां से कुंडली बनानी है, तो यहाँ पे बनी हुई। अब देखिए बच्चा कैसा रहेगा। अब पहला भाव है इम्यून सिस्टम, वहां पे कौन कौन प्लैनेट बैठे हैं? चंद्र बैठा है, मंगल है और शनिवार है। तो चंद्र और शनि जो है वो अपने आप में अच्छे नहीं, क्योंकि चंद्रमा ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है और शनि है स्लो मूविंग प्लैनेट, तो ये इनको थोड़ा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इसका प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पर आप देखें तो मंगल भी बैठा है, तो ये मस्कुलर हो सकते हैं क्योंकि वो अपने खुद के ही राशि में बैठे हैं, तो ये व्यक्ति मस्कुलर भी होगा, लेकिन इनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मन की कुछ ना कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरे भाव में शुक्र और सूर्य बैठे, सूर्य और शुक्र। ठीक है, तो दूसरे भाव में शुक्र ये एक अच्छी स्पीच देता है, हो सकता है इनको गायन कला में इंटरेस्ट हो। सूर्य है तो एक ऑथोरिटेटिव स्पीच देगा, ठीक है, बड़ा आवाज भी देगा। चौथा गुरु है तो इनका बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छा रहेगा, एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पांचवें भाव में ए नाइन है, ए नाइन इज गुड इन फिफ्थ हाउस, एजुकेशन में कोई परेशानी आने की परेशानी नहीं दिखे। छठा भाव है केतु, केतु अपने आप में मंगल का ही स्वरूप माना जाता है, तो छठा भाव पेट है और मंगल हीट है, तो इनको एसिडिटी की परेशानी होने की संभावना है या होगी, ऐसा भी बोल सकते हैं कि केतु और मंगल यूजुअली पेट में परेशानी दे। यहाँ पर सातवें भाव में 11 और 4 आ गया, तो ए 4 बोले तो हैप्पीनेस, चौथा भाव हैप्पीनेस होता है, 11वां भाव लाभ। इनको अपने पति या पत्नी, ये अगर लड़के की कुंडली है तो लड़की या स्पाउस बोल दीजिए, स्पाउस से इनको बहुत लाभ भी होगा और हैप्पीनेस भी मिलेगा। ठीक है, जॉब के लिए छठा भाव देखेंगे तो ए 2, अच्छा पैसा भी मिलेगा, स्टेटस भी मिलेगा जॉब के लिए। आठवें भाव में ए 6 है, तो जीवन में उतार चढ़ाव और लड़ाइयां बढ़ जाएगी। 9वें भाव में बुध, ठीक है,
तो A7 भी बना हुआ है, तो नवा भाव भी ठीक ठाक है, कोई ज्यादा परेशानी। 10वें भाव में A8 है, कार्यस्थल में हमेशा परेशानी रहेगी। 11वें भाव में A3 है, कमीशन का बिजनेस अच्छा लाभ दे सकता है, ट्रैवलिंग से अच्छा पैसा आ सकता है। और 12वें भाव में राहु है, वहां पे कुछ है नहीं, तो ये फॉरेन जाने के भी चांसेस। तो इस प्रकार की जो प्रेडिक्शन है उस बच्चे की भी वो हम कर सकते, राइट। तो हमने क्या क्या किया, पहले तो बच्चे का प्रॉमिस लगन कुंडली से देख लिया कि भाई बच्चे हो सकते हैं या नहीं हो सकते, कितने बच्चे होंगे और उनका जीवन कैसा रहेगा, ये आप D7 चार्ट से सप्ताह नक्षा से देख सकते, ये उसकी देखने की विधि। ओके, हैंड रेज कीजिए अगर आपके कोई प्रश्न है तो मैं उनके उत्तर दूँ। जेंडर प्रेडिक्शन तो मैडम, मैं रूपम जी, मैं पेड क्लास में भी नहीं पढ़ाता हूँ, तो आप वो तो भूल जाइए कि आप वो मुझसे पढ़ पाए, ठीक है ना। मैं वो KP में पढ़ाता हूँ, ना मैं वैदिक में पढ़ाता हूँ, ना नक्षत्र में पढ़ाता हूँ, मैं किसी में भी जेंडर प्रेडिक्शन और डेथ प्रेडिक्शन दो चीजें मैं पेड में भी नहीं पढ़ाता, और आप मुझसे उम्मीद भी मत कीजिएगा कि मैं वो बताऊंगा, इट इज नॉट अ गुड। रीना जी बोलिए। अभिनव जी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, रीना जी होल्ड कीजिए, ये वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, आप लोग इसको देख सकते हैं फिर से, ठीक है। जो चीज आपको नहीं समझ में आई वो पूछिए। क्यों, एक मिनट रुकिए, ये स्टेटमेंट पे रुकिए, फर्स्ट हाउस नाइन्थ हाउस से क्यों देख रहे हैं हम लोग, ये बताइए आपने। हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि फर्स्ट हाउस, हम फर्स्ट चाइल्ड हम नाइन्थ हाउस से देखेंगे, मैंने पूरी प्रोसीजर एक्सप्लेन करी है कि हमने इस कुंडली में नाइन्थ हाउस से क्यों देखा। हाँ, वो जेनरिक स्टेटमेंट नहीं है कि D7 में पहला बच्चा नाइन्थ हाउस से ही देखना है, ऐसे हर जगह नहीं मिलेगा आपको। इस कुंडली में हम नाइन से देखेंगे क्योंकि D7 के लगन में सम राशि आई हुई है। अब नेक्स्ट, आप आगे पूछिए। नहीं, हमने चंद्रमा को लगन बनाया, इसको बनाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो लगन में ही बैठा हुआ है। तो हम 5वां नंबर, अगर चंद्रमा 5 नंबर राशि में बैठा होता तो हम 5 नंबर राशि को लग्न बना लेते। हाँ, करेक्ट। करेक्ट। नहीं, फिर वो फिर क्लॉकवाइज में आएगा, उसको उसको सव्य अपसव्य बोलते हैं, सव्य अपसव्य नाम से वो एक डेफिनेशन होती है, लेकिन उसमें मत जाइए। जब हम 9वें 9वें भाव से पहला बच्चा देखेंगे तो हम जाएंगे क्लॉकवाइज, और 5वें भाव से बच्चा देखेंगे तो तब जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, करेक्ट। उनको लग्न लॉर्ड नहीं बनाएंगे मैडम, उनका लगन लगा देंगे। उषा राय जी बोलिए। वो उसकी थेरी अलग है मैडम, उसकी थेरी अलग है, बिल्कुल यहीं से पता चलेगा, लेकिन वो अलग सूत्र है, उसमें मत जाइए।
नंबर ऑफ नहीं है ही, डेफिनेटली फ्री विल ही होता है, ये तो मैं बोलता ही हूँ, क्योंकि बच्चे तो कितने पैदा करना है वो आपके हाथ में, लेकिन उसमें भी इसमें पता चल जाता है कि कहाँ जाके आपकी फ्री विल खुद को रोक लेगी। एक तो गवर्नमेंट रोकेगी, नहीं तो आप रोको। अमरजीत सिंह लाल जी बोले। अमर सिंह जीत लायल जी बोले, अनम्यूट करें और बोले। घड़ी की सुई की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। ये पहला बच्चा, फिर ये दूसरा बच्चा, फिर ये तीसरा बच्चा, फिर ये चौथा बच्चा, फिर ये पांचवा बच्चा, फिर ये छठा बच्चा, अगर नाइन्थ हाउस से हो रहा है, ठीक है। अगर लगन में विषम राशि आ गई तो ये पहला बच्चा, फिर ये दूसरा बच्चा, फिर ये तीसरा बच्चा, फिर ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। हाँ तो भी नौ नंबर ही पहला पहला बच्चा होता, तब भी अगर यहाँ पे 8 नंबर की हो, 6 नंबर हो, 2 हो, 4 हो, कोई भी सम राशि हो। देखिए डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, तो इतना मुझे नहीं लगता है कष्ट होना चाहिए इसको समझने में, कि सम राशि लग्न में आ जाए तो नवा भाव पहला बच्चा, विषम राशि अगर लग्न में आ जाए D7 में तो पहला बच्चा 5th हाउस बस। और सम और विषम तो बड़ी सिंपल सी चीज है। हाँ नहीं, यहाँ तो बना बनाया ही चार्ट है ना, फिर से क्यों बनाना। अरे उसका उसका एग्जाम्पल दिया ना मैंने, कि अब अगर पहले बच्चे की नहीं दूसरे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं तो दूसरे का स्वामी कौन है, तो फिर मैंने इसको राइट क्लिक करके शो चार्ट फ्रॉम दिस हाउस बोला ना, ये एग्जाम्पल तो दिया था ना मैंने, कि दूसरे बच्चे के लिए मैं शुक्र को ला लूंगा लग्न में और फिर एनालिसिस करूंगा, है ना। कंचन ठाकुर जी बोलिए। नमस्कार। इसमें होता है और वैदिक में होता है। नहीं, इसमें ये जो अभी मैंने सूत्र आपको बताया, ये सूत्र सिर्फ वैदिक ज्योतिष में और जैमिनी ज्योतिष में ही लागू होता है। बोलिए बोलिए। ठीक है, चांदनी जी बोलिए, चांदनी लोधा जी। मोनिका जी, मैंने गलती से आपका हैंड लोअर कर दिया है, मैं इसके बाद आप बोलिएगा। हाँ बोलिए चांदनी। वीडियो देख लीजिएगा मैडम, विषम राशि से पहला बच्चा 5th हाउस, दूसरा बच्चा 9th 7th हाउस, तीसरा बच्चा 9th हाउस, उस हिसाब से। ओके, मोनिका जी बोलिए। ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे पेड स्टूडेंट वाले पूछे मुझसे। देखिए स्त्री की कुंडली से ही देखना चाहिए क्योंकि वो कंसीव करती है, पुरुष की कुंडली से नहीं देखते हैं, पुरुष की कुंडली से पूरा उत्तर नहीं मिलता। गुड क्वेश्चन। ठीक है, मिथिलेश जी बोलिए। मिथिलेश गौर, प्रणाम। हाँ बिल्कुल,
जिस मोमेंट पे बच्चा कंसीव हो गया, वहां पर आत्मा चित्त सबकॉन्शियस माइंड के लिए सूक्ष्म शरीर और बाद में फिजिकल बॉडी सब चीजें आ गई। आप यहाँ पे मेडिकल थोड़ा ना पढ़ रहे साहब, आप तो एस्ट्रोलॉजी के डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना। वो मानते हैं उनको मानने दीजिए, हम तो मान लेंगे। समाधि को वो मृत्यु मानते हैं क्या या नहीं मानते? वो समाधि को तो मृत्यु मानते हैं ना वो, हम तो नहीं मानते ना। लोग तो समाधि में जाके वापस रियल लाइफ में आ जाते हैं ना। तो उनका डेफिनेशन अलग होगा। नीरा मित्रा जी को नहीं, वो बहुत ही अलग चीज है मैडम जो आप पूछ रही हैं। ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। कभी तो गोचर का कोर्स लेंगे तो बताएंगे। ओके, खौशाला खौशाला मिश्रा जी बोलिए। खौशाला मिश्रा जी बोलिए, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। महिपाल जोशी जी बोले। हाँ अरे साहब, वो तो वैदिक में बताया ना कि दशा अंतर दशा आनी चाहिए, वही चीज यहां भी लगेगी। वो तो ऑलरेडी पढ़ा दिया ना मैंने पूरा। विष्णुकांत, ओके विष्णुकांत जी बोले। प्रणाम बोलिए। D12 से लेंगे। D12 जो है वो माता पिता के लिए होता है। अरे माता की लेना है तो चंद्रमा को लग्न बनाइए, पिता की जानकारी लेना है तो सूर्य को लग्न बनाइए। D12 में द्वादश अंक में ठीक है। ओके बढ़िया। विभा मैत्री जी बोलिए। हमने नहीं बनाया मैडम, वो बन के आया, वो बन के आया कैलकुलेशन। मैडम इसका ये वीडियो ही अपलोड होने वाला है यूट्यूब पे, पूरा देख लीजिएगा। निश्चिंत रहिए, मैं तो हर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जेमिनी के। हाँ वो मैं इसीलिए कर रहा हूँ विभा जी, क्योंकि दिक्कत ये है ना कि ये एक तो, हाँ पहली बात तो ये है कि जेमिनी के ऊपर कोई बोलेगा नहीं, ना यूट्यूब पर बोलेगा, फेसबुक पे बोलेगा, कहीं नहीं बोलेगा, क्योंकि लोगों के पास उसकी नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि उसकी बुक्स ही अवेलेबल नहीं है पहली बात, ठीक है। और उनको डिकोड करने की क्षमता भी लोगों के पास नहीं। तो इसलिए जब मैंने अभी ये कोर्स किया तो मुझे पता था कि बाद में इतने सारे सवाल आते थे मुझे अगर व्हाट्सएप और सब जगह पे कि सर ये बता दीजिए वो बता दीजिए, मैंने सोचा इट इज गुड टू अपलोड द वीडियो इट्स, है ना, तो सबका लाभ हो जाएगा और मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसमें भी मैंने अपना फायदा देख लिया। नहीं, वैसा नहीं, उसके अपने कैलकुलेशन होते हैं कि जो षोडश वर्क बनता है उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है कि वो कैसा बनेगा। तो क्योंकि मैं गणित नहीं लेता, हाँ क्योंकि मैं गणित D7 ना सप्तांश, नहीं, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो 8 क्यों आया, वो बनता लगन कुंडली से ही है, लेकिन हर षोडश वर्ग के लिए अलग फॉर्मूला, और क्योंकि वो गणित है तो
और मैं 100 125 लोगों को अगर वो समझाने की कोशिश करूंगा तो शायद मेरे मेरे सारे बाल खड़े हो जाएंगे सर के, इसलिए मैंने वो अवॉइड कर दिया। पेड क्लास में मैं बता देता हूँ, कैलकुलेशन में एग्जाम्पल्स दे देता हूँ D3 D4 का, सारे नहीं देता लेकिन आइडिया दे देता हूँ, यहाँ नहीं कर सकता वो, अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि नहीं तो फिर हमारा पूरा डिस्कशन उसी के अराउंड होता। काजल जायसवाल जी बोलिए। फर्स्ट चाइल्ड, फिर फर्स्ट चाइल्ड के लिए वो हाउस छोड़ देंगे ना, कि वो पैदा यानी पैदा होने के पहले डेथ हो गई, ठीक है, और फिर सेकंड। हाँ अभी समझ लीजिए, इसी कुंडली में देख लेते हैं आपका जो प्रश्न है, इसी इसी कुंडली में देख लेते हैं कि पहला भाव में बच्चा नहीं बचा या अबॉर्ट कर लिया, तो जो एक्चुअल में बच्चा होगा वो अब सेकंड हाउस हो गया, वो यानी सातवां भाव हो गया, तो पहले वाले को छोड़ देंगे सर। मोनिका कोहली जी बोलिए। एक एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके सॉरी, बोलिए मोनिका जी। अरे मैडम 0 आ ही नहीं सकता, राशि नंबर 1 से लेके 12 तक ही आएगा। नहीं वो फिर सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है मैडम, वो सॉफ्टवेयर यूज करना तुरंत बंद कर दीजिए। 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि राशि नंबर तो आनी चाहिए ना, 12 भाव है, 12 राशियां हैं। नहीं तो वो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम। ओके रीना भाटिया जी बोलिए। अभी 2 सवाल लेते हैं फिर रोकते हैं। बिल्कुल पता चल सकता है मैडम, अगर 5th हाउस में, यहाँ पे 9th हाउस में अगर राहु होता तो मिसकैरेज होने के चांसेस थे। कौन सा प्लेनेट बैठता है उसके हिसाब से पर, और उसके ऊपर आने वाली दृष्टियां क्या है कैसा है, उस हिसाब से सारा खेल बदलता रहता। फिर सिजेरियन होने का चांस है। एग्जैक्टली सिजेरियन, केतु भी सिजेरियन देगा या ब्रेक हो जाएगा, बच्चा गिर जाएगा। ओके सारथी श्वेता जी बोलिए। करेक्ट। हाँ ये उल्टा जाए, ये आप ये सव्य अपसव्य बोलते हैं इसको, कंसेप्ट को, ये उल्टा जाए। आपने आपने ये देखा होगा ना कि पितृदोष, अरे रुकिए रुकिए एक पूरा बोलने तो दीजिए, बीच में सांस लिया कीजिए, थोड़ा ब्रीदिंग बढ़ाइए। आपने ये देखा होगा ना, पितृपक्ष में, पितृपक्ष अमावस्या में जब, या पितृपक्ष में जब हम पितरों को आह्वान करके उनकी शांति करते हैं, तो जो 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 यजमान बैठता है उसको यज्ञोपवीत को राइट से निकाल के लेफ्ट, लेफ्ट से निकाल के राइट करना करने के लिए बोलते हैं ना पंडित जी, उसी को सव्य अपसव्य बोलते हैं। हाँ ठीक है, वही पंडा यहाँ है। हिमांशु जी बोलिए। बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए पहले उसकी शुभता अशुभता निकालनी पड़ेगी आपको,
उत्सुकता अचूकता निकालेंगे तो पता चलेगा कि वो A2 से धन कमा के सेविंग कर पाएगा, A4 से प्रॉपर्टियां खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा, या उसका हैप्पीनेस चला जाएगा। नहीं, उसका उससे कोई लेना देना? हाँ बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। यानी वो बंदा स्मगलर भी बनेगा तो लाइफ में बड़े उतार चढ़ाव के बाद ही बनेगा। स्ट्रगल तो A8 है, तो स्ट्रगल तो बिना स्ट्रगल के देगा नहीं वो। हाँ कुछ भी शो, वो तो अपना अपना कैरेक्टर कैसा छोड़ेगा। चालू गोयल जी बोलिए। नहीं, फिर राशि दृष्टियां, ग्रह दृष्टियां देखी जाएगी। तो अनिल जी बोलिए, चलिए आखिरी सवाल लेते बनते। क्या क्या देखनी है? हाँ, पहले तो पहला सबसे पहला तो ये है कि वहां पे बैठे हुए ग्रह, वहां पे बैठी हुई कौन सी अरुदाएं हैं, और फिर राशि दृष्टि देखनी है। ये तीन चीजें आपने देखनी। नहीं वैदिक वाला नहीं, वैदिक वाला नहीं। यहाँ पे हर चीज का अलग अलग रूल्स होते। नहीं, वो मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि वो फिर हर जगह पे अलग अलग चीजें होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, कि वैदिक का क्या एडवांटेज है, वैदिक का क्या है कि वो जो वो शुभता अशुभता या उनका जो फाउंडेशन है, दैट इज अप्लीकेबल एवरीवेयर वंस यू मेक इट। यहाँ पे उसमें डेविएशन, यहाँ पे उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज होता ही जाता है। हाँ अब वो फादर ही है वैदिक, ये ना इट इज अ फाउंडेशन, इट इज लाइक अ मदर ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। और इसलिए जितने भी लोग आते हैं ना, कई बार यहाँ पर भी हैं कई सारे लोग हैं जो मेरे पास KP पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने उनको हमेशा से रिकमेंडेशन दिया है कि आप भले ही पहले उससे KP पढ़ लो, क्योंकि KP की बैच शुरू हो रही थी तो उन्होंने KP लगा लिया। ठीक है? हाँ नहीं, सिर्फ वैदिक का नहीं, मैं उनको बोलता हूँ आप कुछ भी पढ़िए लेकिन वैदिक जरूर पढ़ लीजिएगा, चाहे मुझसे पढ़े। हाँ नहीं, जरूरत नहीं है स्टार्ट वैदिक से करें, पर वैदिक पढ़िएगा जरूर, क्योंकि वैदिक जो है ना वो अपने आप में बहुत सारी लेयर्स ओपन कर देती है नॉलेज की। ठीक। हाँ सोम बोलिए मैडम। नेक्स्ट वाला अभी मुझे दो तीन लोगों ने ये सवाल पूछा, लेकिन दिक्कत ये है ना कि अभी मेरा वास्तु का कोर्स आएगा, तो वास्तु के बाद ही, तो मेरे ख्याल से शायद अप्रैल मई में जाएगा, और वो मुझे पता नहीं है अप्रैल मई में जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि तब तक मेरा फिर से वहां पे जेमिनी का कोर्स आएगा और KP का कोर्स आएगा, तो आई एम नॉट श्योर कि अब वो कब आएगा, पर आया तो फिर वो अप्रैल मई में आएगा। हाँ वो आ जाएगा ना, मैं यूजुअली जो जो पिछले वाले लेटेस्ट 10 ग्रुप्स होते हैं उसमें डाल देता हूँ, सारे ग्रुप्स में नहीं डालता क्योंकि अभी मेरे पास 50 ग्रुप है, तो सब में वो एडवर्टाइजमेंट नहीं डालता हूँ, लेकिन लास्ट 10 ग्रुप्स में मेरी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी आपको, मैं बता दूंगी। ओके। हाँ सोहम जी बोलिए। नमस्कार। संबंध से ही तो होता है, वही तो संबंध हम पढ़ रहे हैं ना, कि संबंध कैसे होते हैं। संबंध तो बनना ही पड़ेगा, बिना संबंध के तो कैसी घटना घटेगी, वही तो पढ़ा ना हमने अभी तक। यानी आप अगर बोल रहे हो कि कोई ग्रह चौथे भाव में बैठा है और उस ग्रह की दशांतर दशा नहीं चल रही है और उसके ऊपर से शनि का या गुरु का गोचर हो रहा है, तो भी घटना घटित होगी, ये सवाल है क्या? नहीं होगी, क्योंकि वो तो एक्टिवेटेड ही नहीं है ना।
अगर वहां पे बैठे हुए ग्रहों की दशा अंतर दशा चल रही है तो ही गोचर से रिजल्ट आएगा। अगर वहां पे बैठे हुए प्लैनेट की दशा अंतर दशा नहीं चल रही है तो फिर गोचर का कोई रीजन नहीं होगा। बेनिफिट तो डेफिनेटली होगा। अगर देखिए 30% का मतलब है 100, देखिए फर्क इतना ही है कि 100% में कम एफर्ट से होगा, 30% में ज्यादा एफर्ट से घटना घटित हो जाएगी। तब हो जाएगा, बिल्कुल 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 हो जाएगा, बिल्कुल कह सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पे रोकते हैं अभी। आई होप वो इमेज ही डाल देता हूँ अपने वर्ड फाइल में, गौरांग जी इमेज डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को वो सारी डिटेल्स मिल जाए। कल मेरे ख्याल से मेरे टॉपिक तो सारे कंप्लीट हो गए हैं, कि इनकेस अगर कुछ बचा होगा तो लेट मी लुक एट द नोट्स अगेन। अगर कुछ बचा है तो हमारी कल क्लास होगी, अदरवाइज वी आर गुड, वी कैन कंक्लूड कंक्लूड टुडे। ठीक, हाँ बोलिए। हाँ तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, कल कल वही टॉपिक ले लेंगे। मैं आपको स्पिरिचुअलिटी का मैं प्रोसेस बताऊंगा कि लोग मोक्ष की तरफ जाते हैं तो उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होती है, वो कल करा देता हूँ। अरे नहीं भाई, सब कुछ प्रीडिस्टाइंड नहीं होता ना, हमारे पास फ्री विल भी होती है ना। मुझे एक बात बताइए, आपको प्यास लगी है और आप बोलोगे नहीं मैं अभी नहीं पानी पीता, मैं आधे घंटे के बाद पीऊंगा, तो दैट पावर इज गिवन टू यू ना। तो कॉन्शियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मुझे एक बात बताइए, आपको प्यास बहुत लगी है और आपके सामने में उबलता हुआ पानी रखा है तो पियेंगे क्या? वो कॉन्शियसनेस का डिसीजन तो आपके पास है ना कि नहीं ये उबलता हुआ नहीं पीना है भाई, जब ठंडा होगा तब पियेंगे 2 घंटे बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी होगा, लेकिन लेकिन फ्री विल से आप उसको ठंडा करने की कोशिश कर सकते हो। फ्री विल तो काम करेगी करेगी। देखिए अर्जुन जो था ना, अर्जुन रणांगण में खड़ा था और उसने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये फ्री विल थी उसकी। वो क्षत्रिय था, उसका धर्म था कि वो युद्ध करे, सामने में अगर उसके भाई बंधु भी आ जाए तो कर ले, पर उसने हथियार डाल दिए थे ना, वो फ्री विल था ही ना उसका कि नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं भले ही मर जाऊंगा। करेक्ट, 1 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ नहीं का क्लास में रह कर तो कौन तो। ठीक है, तो वो फ्री विल हमेशा इंसानों को दी गई है, दैट्स द रीजन वी हैव कॉन्शियसनेस। ठीक है विभा जी बोलिए, चलिए आखिरी सवाल लेते हैं, विभा जी बोलिए। हाँ डाल देंगे मैडम, आप बोल रहे हैं तो डाल देंगे, लेकिन वो वाली वीडियो डालना सही होगा नहीं होगा पता नहीं। देखिए क्योंकि क्या है, दैट इज बेस्ड ऑन माय लिमिटेड नॉलेज ऑन स्पिरिचुअलिटी, तो लोग मुझे कहीं बाबा बाबा गुरु ना समझने पड़े। अरे मुझे तो कई फोन आते हैं कि सर आप हमको दीक्षा दे दो, अब मेरी वो लेवल है नहीं दीक्षा विक्षा देने की।